हाईवे से मवई मोड़ के पास अनियंत्रित होकर पलट गई। बस में करीब 55 सवारियां थी जिसमें सभी सवारियां दब गई। घटना के बाद स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे और बचाव कार्य शुरू कर दिया। वहीं पुलिस प्रशासन भी मौके पर पहुंचकर बिना देर करते हुए घायलों को बाहर निकाला और 102-108 एम्बुलेंस सेवा के माध्यम से सभी घायलों को बांदा जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने एक लोटन नडोस नामक युवक को मृत घोषित कर दिया जो कि हमीरपुर के जखौला गांव का निवासी था तथा बाकी लगभग 20 घायलों को भर्ती कर उपचार शुरू कर दिया तथा घायल राम बहादुर व सोनू की हालत नाजुक होने पर उन्हें कानपुर रेफर कर दिया गया। घटना की सूचना मिलते ही बांदा एसपी भी घटना स्थल व जिला अस्पताल पहुंचे व घटना का जायजा लिया। आपको बता दें कि बस में सवार ज्यादातर यात्री अमावस्या पर चित्रकूट दीपदान करने और परिक्रमा लगाने जा रहे थे। इस घटना के बारे में बांदा पुलिस अधीक्षक गणेश प्रसाद शाह ने बताया कि एक प्राइवेट अनियंत्रित होकर पलट गई। इसी हादसे में एक की मौत हो गई। लगभग 20 लोग घायल हुए हैं जिनका इलाज कराया जा रहा है। रास्ते में बस हटा दी गई है। आवागमन फिर से सुचारू रूप से शुरू हो गया है। सभी घायलों की सूची बनाई जा रही है और मृत के शव का पंचनामा भर मर्जरी पहुंचा दिया गया है और सभी के परिजनों को कॉल रूप से सूचना दी जाने की काम शुरू कर दिया है। देखिए, कानपुर गजनर से बस आ रही थी और यहाँ पर एक बेतरतीब ब्रेकर था, इसमें और फ्लड भी, इसमें यात्री से घायल हुए हैं। एक जो डेड बॉडी थी वो अंदर ही मिली हमें, उसको तुरंत ही रेस्क्यू कर लिया गया, बाहर निकाला गया है। जितने भी घायल हैं उनको तत्काल अस्पताल में बुलाया गया और उसकी उपचार चल रही है, जिसमें कुछ की हालत थोड़ी गंभीर बताई जा रही है, अन्य सभी ठीक है और त्वरित कार्रवाई की गई। जितने भी एम्बुलेंस की सेवा होती है या फिर हमारे लोकल लेवल पे जितने भी इक्विपमेंट जो रेस्क्यू में सहायक हो सकते हैं उनको बुलाया गया है और बस को पलटी के बाद हटा दिया गया है। ट्रैफिक नॉर्मल हो चुका है और यातायात बाधित नहीं हुई है, अभी संचार चल रही है। हमने जहाँ इलाज चल रहा है वहाँ भी जो लोकल लेवल पर सफाई लगाए हुए हैं लगाए हैं और कंप्यूटर की तरफ काम कर रही है और जो भी अपडेट होगा। मृतक कौन है, महिला या पुरुष है? कितने लोग घायल? घायल की संख्या कुछ को थोड़ी बहुत चोट लगी है, 7 या 8 ऐसे लोग हैं उनका उपचार चल रहा है, ये चोट थोड़ी ज्यादा। सभी लोग दीपावली मनाने चित्रकूट जा रहे थे? अभी लोग से जो बात हुई है सभी चित्रकूट ही जा रहे थे और जो यात्री थे वो अलग अलग जगहों से बने गए। अभी इनका डिटेल लिया जा रहा है जैसे कि